What is up? How does this function? Start. Hey, what is up everybody and welcome back to the channel. So, जैसे कि आप देख सकते हो मैं भी अपने घर पहुंच गया हूं. And I'm very happy and I'm very lucky to be at home because जिस हिसाब से cases बढ़ रहे हैं, you don't know कब तक ये lockdown कितना चलेगा. और lockdown चलना actually ज़रूरी भी है. So, अच्छा है कि मैं अभी घर पहुंच गया हूं. And I'm safe and I'm healthy, COVID negative. So, अपने safety precautions वगैरह मैं ले रहा हूं, आप सब भी लीजिए, बहुत ज़रूरी है. तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि मैं कैसे अपने रिलीवर का वेट कर रहा था, उसके लिए हैंडओवर नोट्स बना रहा था और मुझे कितना बेसब्री से उसका इंतज़ार था उसके आने का. तो यही कहानी आगे कंटिन्यू रखते हैं. तो लास्ट वीडियो बनाने के लगभग 4 दिन बाद मेरा साइन ऑफ हुआ और उस बीच पोर्ट में काफ़ी सारा काम आ गया था बिकॉज लाइफ सेविंग अप्लायंसेस, फायर फाइटिंग अप्लायंसेस, ब्रिज इक्विपमेंट्स, इन सब की सर्विसिंग थी अलॉन्ग विद जो पोर्ट के रेगुलर काम होते हैं, अपना कार्गो वॉचेस है, बंकरिंग है, स्टोर्स है, तो काफ़ी कुछ काम था. तो वो सभी मैंने कोशिश करी है इंक्लूड करने की. तो कहानी जारी रखते हैं वहीं से, बट उससे पहले इंट्रो. What is up everybody and welcome back to another vlog of life. So, यहाँ पर मेरी शक्ल इतनी ख़राब और सोई सोई इसलिए लग रही है बिकॉज मुझे जल्दी उठा दिया गया था क्योंकि रडार टेक्नीशियंस आ गए थे अपना रडार सर्विसिंग के लिए और मुझे उनको असिस्ट करने के लिए ब्रिज में जाना था. तो अभी चलते हैं सीधा ब्रिज की तरफ. Magnetron and the performance monitor has to be like checked because it's not working properly. The technicians are already outside up there on the radar antenna, so I will show you. So let them do their work and in meanwhile, meantime we'll check the port of Rotterdam. Cargo discharging operation is going on and the weather is very calm and the day is sunny, bright, so it's a very fine day. But yeah, the schedule is very hectic because life-saving appliances, firefighting appliances and the navigational equipments servicing is going on, so the technician and the engineers are on board, so we have to be with them along with the loading and discharging of the discharging operation we have to look after. The moorings, the gangway, the ISPS watch we have to maintain, and with that, all these other work. So the schedule is going to be very tight, very busy. But anyways, I'm going home, so you know it's just a matter of like 4 or 5 days more. So no worries, I'm okay with that. काफ़ी सामान आया है, बहुत सारा सामान है. पीछे इंजन स्टाफ भी लगा हुआ है और पता नहीं किसमें क्या रखा हुआ है, कोई आइडिया नहीं आ रहा है. तो सारे बॉक्सेस खोल खोल के देखना पड़ रहा है कि भाई किसके अंदर क्या है. हाँ, कर एक्टिंग करना, ठीक है. मैंने जिस रिएक्शन की उम्मीद करी थी वो रिएक्शन आया नहीं भाई से. मुझे लगा यार नाचेगा, चिल्लाएगा भाई, घर जा रहे हैं. गोइंग होम. How are you feeling? Wow. Andrew is also happy. So ये मैंने अपना कुछ सामान है लिफ्ट में रख लिया है. स्टेशनरी आइटम आए, मेडिकल आइटम आए, चार्ट्स हैं, काफी कुछ है. अब ये मुझे देखना पड़ेगा, इसकी इन्वेंटरी चेक करनी पड़ेगी कि जो मैंने सामान मंगाया है सब सही आया है या नहीं आया है, तो उसके हिसाब से मुझे वो अपने कंपनी सॉफ्टवेयर में अपडेट करना पड़ेगा. तो जी, पोर्ट के काम निपटाने के बाद अब बारी आई पैकिंग की. और आपको बता दूं, ओवर द टाइम जहाज में रह के मैंने इतनी सारी चॉकलेट्स इकट्ठा कर ली थी अलग अलग कंट्रीज से कि मेरा एक बड़ा ट्रॉली बैग उसी से भर गया. और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बाकी का सामान कहाँ रखूँ. देखिए, तो ये है एक मतलब बड़ा बैग है, काफ़ी बड़ा बैग है और इसमें ये सारी की सारी चॉकलेट्स हैं. ये सारी चॉकलेट्स हैं और ये बैग इसी से भर चुका है. किताब मेन कॉम्फ, मुझे 3 साल हो गए, मैं हर बार इसे शिप में लेके आता हूँ
और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ और फिर ऐसे कैसी रह जाती है। 3 सालों से मैं किताब ख़त्म नहीं कर पाया। घर जाके पहला टास्क ये किताब ख़त्म करनी है, कैसे भी करनी है। तो फिर जैसे तैसे पैकिंग करने के बाद दूसरी खुशी का पल आया जब मैं कैप्टन साहब के कैबिन से अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने अलॉटमेंट्स सेटल करके आया। आप मानो ना मानो, जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में आ जाते हैं ना, तो एक अलग ही खुशी का एहसास हो जाता है आपको। मतलब एक भरोसा हो जाता है कि यार हाँ भाई, अब आप घर जा रहे हो। अब ऐसा होता है नहीं होता, मेरे दूसरे सीफेयरर्स दोस्त बताएं मुझे। ओके, सो आ गया वो खुशी वाला पल जब आपके रिलीवर्स ऑन बोर्ड हो जाते हैं और आपके हाथ में आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। मैं जस्ट अभी डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ कैप्टन साहब के कैबिन से, तो इन सबको मैं रखता हूँ और फिर जो नया सेकंड ऑफिसर है उसको मैं चीज़ें हैंड ओवर करता हूँ और कल निकलना है। तो खुशी। सो ये व्लॉग मेरा आखिरी व्लॉग होने वाला है कुछ समय के लिए, सी में, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग होम और 1 घंटे बाद मुझे जाना है गैंगवे में। हम सब लोग को इकट्ठा होना है, तो हमें गाड़ी लेने आएगी और फिर हम लोग यहाँ से एम्स्टरडैम के लिए निकलेंगे। बाबुल की दुआएं लेती जा। पहला टंडेल और ये दूसरा टंडेल, और ये कहाँ जा रहा है ये ट्रैकिंग के लिए? एक्सेम, हाउ आर यू फीलिंग? गुड। थोड़ा तो बुरा लगता है, 8-9 महीने जहाँ बिताए हो आपने, तो थोड़ा तो बुरा लगता है। इसके बाद हुआ ये कि जब मैं गैंगवे में पहुंचा तो बाकी ऑफ साइनर्स ऑलरेडी जा चुके थे, क्योंकि पहले जो एजेंट था वो गाड़ी लेके जिट्टी तक आने वाला था, बट बाद में उसने शायद अपडेट किया कि वो गेट पे आएगा। तो मुझे लगा कि लेट हो गया, तो ढंग से किसी को ना सी ऑफ कर पाया, ना ही कोई वीडियो रिकॉर्ड कर पाया। इसके बाद मैं अपना सामान लेके भाग भाग के गेट तक गया और लगभग 40 मिनट तक एजेंट गाड़ी लेके नहीं आया। शुरू में तो गर्मी थी भागने की वजह से, बट बाद में बहुत ठंड लगने लग गई थी। हाँ भाई, जब बोले गाड़ी कब तक आ रही है? ठंडा बहुत लग रहा है। बस यार वही वेट कर रहे हैं, गाड़ी नहीं आ रही है, ठंड लग रही है, 3 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, अब जम रहे हैं। अब गाड़ी चाहिए भाई, जल्दी गाड़ी चाहिए, जल्दी गर्म बहुत ही स्टार्ट होती है। सो एक अच्छी गाड़ी हमें लेने आई मर्सिडीज बेंज, और ड्राइवर भी अच्छा था। उसे लगा कि हम लोग इंडियंस हैं और हिंदी गाने इन्जॉय करेंगे, तो उसने हिंदी गाने चला दिए। सोचे मर्सिडीज बेंज टैक्सी चल रही है। इधर वो ही चलता है यार, अभी इधर अगर सोच मारुति गाड़ी आ गया ना, इधर बाबा देखो मारुति गाड़ी है इधर। और हम लोग हल्का हल्का सोते सोते बात करते करते एम्स्टरडैम एयरपोर्ट पहुंच गए। सो एम्स्टरडैम एयरपोर्ट में पहुंच गए फिलहाल, खान साहब बड़ा साहब जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है भाई, एयरपोर्ट तो साफ साफ है। एम्स्टरडैम एयरपोर्ट काफ़ी सुनसान था, बहुत ही कम लोग थे बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। और फिर इमिग्रेशन, बोर्डिंग पास, वही सब रेगुलर ड्रिल करने के बाद अब लगने लग गई थी हमें भूख, तो हम पहुंचे मैकडी। कोई लग रही है फिलहाल भूख, जा रहे हैं खाने मैकडी, एंड वी आर हैविंग अ मील। हैप्पी मील चाहिए तेरे को? हैप्पी मील मिलेगा नहीं इधर, बड़ा साहब किधर है? वी आर हैप्पी, दिस इज अ मील, लेट्स नॉट क्लब टुगेदर, हैप्पी मील। लगभग 1 साल बाद मैंने मैकडोनल्ड्स का बर्गर टेस्ट किया उससे, और सच में मज़ा आ गया। ये समझ में नहीं आ रहा, ये मैक चिकन लिखा है बट यहाँ पे वेज ही है, तो ये वेज है या नॉन वेज है? वेज है, ऐसे फ़र्क पड़ता नहीं है, दोनों खाता हूँ। भाई खाना पीना हमने खा लिया है, अभी हम लोग जा रहे हैं आपका किधर है? किधर जा रहे हैं? शॉपिंग के लिए। शॉपिंग कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। गर्लफ्रेंड के लिए कुछ आइटम लेने हैं शशि? ओ भाई, गर्लफ्रेंड है नहीं मेरी, तो ज़बरदस्ती का आइटम बना रहा है। छोड़ दे, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। अरे अभी भी नहीं छोड़ रहा है, गर्लफ्रेंड से नहीं बात कर रहा है, दोस्त से बात कर रहे हैं। अच्छा वाह बेटा, दोस्त से बात कर रहा है। बड़ा सा चलने विश्वास नहीं रखते भाई, मशीन का आदमी है, मशीन का फायदा उड़ाना जानता है। <नहीं
अभी हम लोग F02 तक गए और वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि भाई वापस जाओ, E02 में भेज दिया है, E8 में। इनको लग रहा है कि ठीक है ज़्यादा खा लिया हम लोगों ने तो हमारा खाना पचवा रहे हैं और कुछ नहीं। बड़ा साहब, हाउ डज दिस फंक्शन? हाँ, लाइक स्टार्ट, आवाज आ रही है, पर्सन को पकड़ो, अग्रेसिव नहीं हो रहा है। फिर एयरपोर्ट में थोड़ा बहुत तफरी काटने के बाद हम लोग पहुंचे अपनी फ्लाइट में, जिसने हमें अपने देश के और करीब पहुंचने का एहसास दिला दिया। अभी हम एंग्री बर्ड खेल रहे हैं, कहीं हम एंग्री बर्ड तोड़ना दे। नहीं, अभी खत्म हो गई चिड़िया, खत्म हो गई इधर चिड़िया चाहिए अपने। ये गिरा नहीं, अच्छा वो गिरा नहीं अभी तक। सो राइट नाउ वी आर इन दुबई, वी विल स्टॉप हियर फॉर 1 आवर एंड देन वी विल लीव towards Delhi. Yes, I'm watching Harry Potter again. I like Harry Potter. So 9 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंचे अपने देश, अपने शहर दिल्ली। और पहुंचने के साथ ही हुआ हमारा दोबारा से कोविड टेस्ट। जस्ट वी हैव अराइव्ड एट न्यू दिल्ली एयरपोर्ट एंड वी हैव फिल्ड द कोविड ट्रेसिंग फॉर्म हियर। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर बैगेज काउंटर, वहां से बैगेज लेंगे देन कोविड टेस्ट ले जाएंगे। और फिर अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो मैं घर जाऊंगा सीधे, पॉजिटिव आई तो आई विल बी सेंडिंग टू सम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर। सो रॉटरडैम में किया था कोविड टेस्ट तो नेगेटिव था, उम्मीद करता हूँ नेगेटिव ही आए। घर जाना है बस, अभी कहीं और नहीं जाना। अभी यहाँ बताने किस बात की भीड़ जमा है समझ में नहीं आ रहा है, कोविड चल रहा है क्या बहस चल रही है। गाइस हम लोग इतने थके हुए हैं, ऑलमोस्ट 30 घंटे से ऊपर हो गए, हमें सोए ना हुए क्योंकि फ़्लाइट पकड़ने से पहले भी शिप में भी रात को नींद आई नहीं थी, पर फिर भी एक्साइटमेंट इतनी है घर पहुंचने की कि भाई बस अभी इतनी एनर्जी आ रही है ना कि बस कूद फाद के निकल दूँ बस घर पहुंचने तक वेट करना बस, और कुछ नहीं बस। सो जस्ट हमारा अभी कोविड टेस्ट हो गया है बट हमें अभी रिपोर्ट के लिए वेट नहीं करना है, बिकॉज यूरोप से आए हैं तो इन्होंने डायरेक्ट घर जाने का हमें बोल दिया है। रिपोर्ट्स बाद में ईमेल में मिल जाएंगी, तो अगर कुछ होगा तो पकड़ेंगे हमें ये लोग, अदरवाइज घर पे अभी 14 डेज तक होम क्वारंटाइन रहना है। तो अच्छी खबर है, अब बैगेज पकड़ेंगे घर जाएंगे। तो ये सब करने के बाद अब वक्त था अपने साथियों से विदा लेने का। उन लोगों को अलग अलग स्टेट्स जाना था तो उन लोगों ने वहीं रुक के वेट किया और मैं चला आया अपने घर की तरफ। बड़ा साहब बहुत अच्छा लगा काम करके, विदा है भाई। अब विदाई का पैन पार्टी चाहिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, पैसेज प्लानिंग अच्छा किया हुआ है, यहाँ से यहाँ का पैसेज प्लान दिया नहीं हम लोग इसने। चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलो तो लिंक मुझे व्हाट्सएप भेज देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके सर। बाहर तो आ गए, टैक्सी पकड़ते हैं और घर चलते हैं। हाँ तो वही प्रीपेड टैक्सी करवा ली है मैंने नोएडा तक, तो भाई को पैसे दिए हैं, वो अभी पर्ची कटवा के लेके आएगा। बैठ गया हूँ गाड़ी में, मतलब बहुत अच्छा फील आ रहा है यार अपनी, मतलब टैक्सी में बैठ के दिल्ली पहुँच गया हूँ। अभी वक्त हो रहा है आपका 1:30 बज रहे हैं, 1:45 बज रहे हैं, तो बस पहुँचेंगे 40 मिनट में घर। सो ये थी मेरी जर्नी जहाज से घर आने तक की, आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अब आगे देखते हैं चैनल में क्या किया जाए, बट अभी तो प्रायोरिटी है कि भाई घर के अंदर ही रहें, सेफ रहें। सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, एंड आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।